6 फरवरी मंगलवार हनुमान जी के वार पर व्यघात और हर्षण योग हंसते खेलते आपका दिन गुजरेगा। चंद्रमा का 4th हाउस से षडाष्टक दोष, माता जी की सेहत को लेकर अभय रहना होगा। वहीं गुरु चंद्रमा का 9वां पंचम राजयोग, संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। अगर किसी से मन भेद है तो विशेष उपाय बताऊंगा इसे दूर करने का। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शनि चंद्रमा की युति अगर 3rd हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 6 फरवरी मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिगड़ जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फैसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। इसका ख्याल रखें तो आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। इस YouTube चैनल से तो आप जुड़े ही हैं, लेकिन ग्रहों का खेल का एक लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, ताकि आप उसे भी देख सकते हैं। फिर साथियों, आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 फरवरी को कोलकाता में हूँ, 11 फरवरी पटना, 17 फरवरी दिल्ली, 18 फरवरी लखनऊ, 23 फरवरी मुंबई, 24 और 25 फरवरी को दुबई में, 26 फरवरी दिल्ली और गुड़गांव रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 4:08 तक एकादशी और बाद में द्वादशी रहेगी। आज ही सुबह 7:35 तक ज्येष्ठ नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा और बुधादित्यों का साथ मिल ही रहा है, लेकिन व्यघात और हर्षण 2 नए राज्यों बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ है तो शश शुभ लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपनी पोजिशन बदलेंगे। सुबह 7:35 के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर को 12:15 से दोपहर 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा, IQ और EQ बेटर होगा। अपने बुद्धि को प्रयोग में लेते हुए आप बेहतर काम कर पाएंगे। मन की बात कहने और दूसरों से बातें करने में आपको पूरी रुचि लेनी होगी। आज जो दिल चाहता है वही करिए। बिजनेस में बीती बातें मन में चलती रहेगी तो आप उससे जरूर सीखिए, सबक लीजिए और आगे अच्छा करिए। यात्रा, मेरे प्रिय साथियों, यात्रा के योग आज बन रहे हैं, इसलिए योजना बनाकर यात्रा करें। बुध आदित्य पराक्रम हर्षण योग के बनने से सेल्स परचेस मार्केटिंग से जुड़े लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बेहतर रहेगा। आप अपने काम पर सिर्फ फोकस करिए। करियर में आज कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। वर्क प्लेस पर आप दूसरों की मदद आज करेंगे। किसी नई बात या किसी छिपी हुई बात का पता लगने से आप उसका फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन गलत फायदा मत उठाएंगे। आज खेल कूद मनोरंजन के साथ आपको अपने काम को पूरा करने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ भावनात्मक ट्रांजेक्शन होने वाला है। खुशी के पल आप जनरेट करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज जो दिल चाहता है वही करिए, गलत काम मत करिए। शरीर और मांसपेशियों में दर्द आपको परेशान करेगा। वृषभ राशि, आज यात्रा न करें तो बेहतर है। करें तो घर की किसी महिला से गुड़ और थोड़े सा जो है ना हरी दूर्वा लेकर आप निकलिए। गुड़ तो खा लीजिए और हरी दूर्वा अपने पास रखिए और राइट हैंड पहले बाहर निकालिए। बिजनेस के लिए किसी प्रकार के लोन का आवेदन किया है, कहीं पर्सनल बोरो करना है पैसा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापार में अनुकूल स्थिति न हो तो आपको उतार चढ़ाव को सहन करना होगा। मन कुछ कमजोर रहेगा, व्यथित रहेगा, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको परेशान करेगी। ऑफिस में दूसरों से कॉम्पिटिशन करिए, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन करिए। कोई कॉम्पिटिशन करने बुरी बात नहीं है। वर्क प्लेस पर काम के साथ साथ सोशल मीडिया पर आप सक्रिय रहेंगे और हंसते खेलते दिन गुजरेगा। और एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस आज विरोधियों के खेमे में खलबली मचा देगी। लव पार्ट और लाइफ पार्ट साथ रोमांच, रोमांस, एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन आज किसी और की वजह से चिंता में आ जाएगा, इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करिए। कर्तव्य निष्ठ बनिए, अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करिए। स्वास्थ्य पहले से बेटर। मिथुन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ किसी से कोई अनबन हो सकती है, झड़प हो सकती है, इसलिए आज मौन रहिए, शांत रहिए। अगला कुछ बोले
उसे माफ कर दीजिए। बिजनेस में आपको बड़ा फायदा मिल सकता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पैसों के मामले में किसी की मदद करना या मदद लेने से आप जॉब या बिजनेस में आज आपको नए मौके मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पर मन की बात किसी से शेयर जरूर करिए, लेकिन काम के राज नहीं। वर्क प्लेस पर आपकी बुद्धि बोलेगी, आप नहीं बोले। न्यू जनरेशन को लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज कोशिश और करनी चाहिए। डू मोर, कम मेहनत में अधिक सफलता के लिए स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में मटेरियलिस्टिक चीजों का आगमन होने वाला है। अच्छी चीजें खरीदने मन करेगा। अहम और वहम से दूरी बना के रखो तो अच्छा रहेगा। बुजुर्गों के साथ बैठकर खूब देर उनके साथ विचार विमर्श करिए, उनको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन है, आज आप कोई गलती करने वाले, इसमें सुधार करिए। चोट, दुर्घटना, यात्रा में तकलीफ, बाथरूम में स्लिप होना, सीढ़ियों से गिरने की संभावना है, ख्याल रखिएगा। कर्क राशि, खर्चे और कर्जे से छुटकारा पाने के लिए कुछ स्पेशल आपको करना होगा। बिजनेस पर्सन अपनी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें। नियम कायदे कानून का पालन न करने से आपका ध्यान भटकेगा, और ध्यान भटकेगा तो आप गलती करेंगे। आज बिजनेस में ज्यादा मेहनत करिए और इन्वेस्टमेंट सतर्क होकर करिए। वर्क प्लेस पर विरोधियों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों से आप किसी तरह से बाहर निकल तो लेंगे, निपट जाएंगे, लेकिन आज झूठे लांछन आरोप आप पर लग सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ विचारों से आप थोड़े परेशान होने वाले हैं, थोड़ा रिलैक्स रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज समय निकालिए और वो करिए जो दिल चाहता है। छोटी बीमारी बड़ी ना हो जाए, चाहे वो मानसिक या शारीरिक, उसे वहीं खत्म कर दीजिए। सेहत के मामले में घबराने की जरूरत नहीं है, बस योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन करने की जरूरत है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब चार राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि अगर किसी से मन भेद मतभेद है, अगले की गलती पर माफ कर देने में समझदारी, अपनी गलती में माफी मांग लेने में समझदारी। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए। इस लोटे को घर के मंदिर में रखते हैं। अब हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित कर गूगल की धूप करें और लड्डू का भोग लगाएं। शाम के समय कपूर, गुड़, घी, गोबर के कंडे से हनुमान जी की धूप अगरबत्ती करें। अब पूरे घर में भी इस धूप को घुमाइए और लोटे में जो जल था उसका घर में छिड़काव कर दें इससे, या फिर उसे तुलसी पौधे में डाल दीजिए। इससे जो नेगेटिविटी होगी किसी से मन भेद मतभेद वो दूर हो जाएगी। सिंह राशि, परिवार में एकजुटता दिखाने का वक्त आ चुका है। अब एक दूसरे से मुंह मोड़ने का वक्त नहीं रहा है। बिजनेस में आप समझदारी से साझेदारी निभाइए और अपने रुचि के काम जरूर करिए। जो निर्णय आपके बस में है वो लीजिए, जो नहीं है वो ग्रुप डिस्कशन के बाद लीजिए। बिजनेस पर्सन प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए आज नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, नए लोगों को लाने के लिए प्लान कर सकते हैं 12:15 से 2 बजे के बीच में। वर्क प्लेस पर रूटीन के कामों से फायदा मिलेगा और धन लाभ भी मिलेगा। एम्प्लॉयज की अचानक बाहर की यात्रा हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कही गई बात आपके लिए बहुत काम की है। घूमने फिरने की बात हो तो जरूर जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज एंथुजियाज्म शानदार रहेगा और अपने काम में आप सुधार लाने वाले हैं। सेहत पहले से बेटर है, एंजॉय करिए। बात करते हैं कन्या राशि। घर की महिला, छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्गों, स्पेशली माँ की सेहत पर विशेष नजर रखनी होगी। बिजनेस के कुछ खास मामलों को लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, बेचैनी डाल सकते हैं। हाथ आई हुई डील रुक जाएगी। वर्क प्लेस पर वर्कलोड ज्यादा होने से आप थोड़े परेशान रहेंगे और अचानक नुकसान की भी संभावना। एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस पर थोड़ा सावधान रहना होगा, टाइम को समझना होगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। कोई गलत काम आपको दिया गया है या आप करने जा रहे हैं तो आप फंस जाएंगे, ध्यान रखिएगा। न्यू जनरेशन का विनम्र स्वभाव रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। वहीं दूसरी ओर ध्यान रखें, कोई भी कटु वचन किसी को न बोले। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तीखी बहस, वाणी खराब होना और रिश्ते खराब हो सकते हैं। जो घर की महिलाएं, जो घर बहुत अच्छा चला सकती है, बहुत अच्छी साज सजावट कर सकती है, वो अब ऑफिस भी बहुत अच्छा चला पाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज जिस फील्ड में आप हैं उस पर झंडे गाड़ देंगे। सेहत पहले से बेटर है, लेकिन सर्दी जुकाम थोड़ा परेशान कर सकता है। तुला राशि, अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाइए, खुशी की खबर मिलेगी। बुध आदित्य पराक्रम और अर्शन योग के बनने से वर्क प्लेस पर सीनियर हो, जूनियर, मंत्री, बॉस, ऑफिसर, कोई भी हो, उनके साथ जो आपके तालमेल है उसे सुधारने की कोशिश करिए। कोई भी प्रकार के वैर विरोध है उसे सुलझा लीजिए। बिजनेस में अधिक अच्छा बोलना भी घाटा देता है, इसे जहां पर जरूरत हो वहां पर हल्का फुल्का आपको स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है। बिजनेस पर्सन वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ गर्म जोशी से पेश आएंगे और जो जॉब कर रहे हैं उनके अपने ही आसपास के लोग परेशानियां क्रिएट करेंगे। पारिवारिक जिंदगी में आ रही समस्याओं का हल आप निकाल लेंगे और संबंध आप बेहतर कर लेंगे।
स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज चैलेंजेस मिलने वाले हैं, उसे स्वीकार करिए और चेंज करिए। तली भुनी चीजें आपके लीवर को खराब कर सकती है। वृश्चिक राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति उसके मामले निपटाइए। खरीदना हो, बेचना, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी हो, बिजनेस मीटिंग में अपनी आदतों में कुछ बदलाव आपको करना पड़ेगा। किसी खराब आदत से आपको नुकसान होने की संभावना है। वर्क प्लेस पर टारगेट समय पर पूरा न हो तो आपके लिए दिन भर तनाव में गुजरेगा, इसके हर काम की डेडलाइन तय करिए। नौकरी बदलना या कुछ भी बदलाव का मन में ख्याल है तो आज उसे जाने दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में सतर्क रहिए, जैसा पार्टनर कहते हैं सिर्फ वैसा करिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अनसुलझे सवाल आज सुलझ जाएंगे। स्टूडेंट के लिए न्यू जनरेशन, अपनी बोली, अपने व्यवहार, अपने कर्मों से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले हैं। गर्भवती माताओं और बहनों को विशेष ध्यान रखना होगा। आज डॉक्टर की सलाह जो है उसे निभाइए, उसे अपनाइए और उसे पूरा करिए। मेरे प्रिय साथियों, आठ राशि बाद आइए मैजिकल न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख हुआ है तो इसकी टोटल 4 होती है, यानी आपका बर्थ नंबर गुणांक 4 होगा। ऐसे लोगों को कौन सा खाना खाना या जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो खाना शुभ रहता है? विंटर ग्रीन, पाइल वॉट, रोमैन, लीमा बीन्स, केला खाना, भिंडी खाना, दाल, गेंदा, पालक और मैडलर उनके लिए कुछ स्पेशल माने जाते हैं। सैलेड, गाजर, पार्सिव, समुद्री शैवाल और साथ में अजमोद, डिल, धनिया, पुदीना और तारगोन के साथ अनुभव अगर आप रखेंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। ये फूड इन लोगों के बहुत शुभ माने जाते हैं। धनुराशि, मन को शांत रखिए, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता को देंगे आप लीजिएगा मत। बुध आदित्य पराक्रम और हर्षण योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके हाथ प्रमोशन, जॉब चेंज, जॉब में चेंज, ट्रांसफर, ऐसी चीजें आगे बढ़ सकती है, आप खुश हो जाएंगे। बिजनेस मीटिंग के लिए अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, आपको कुछ नए अनुभव आज होने वाले हैं। काम धंधे में कुछ नयापन आने वाले हैं। वर्क प्लेस पर सामने कोई नई आदत, नई चुनौती आ सकती है जो आपके आदत को बदल सकती है। किसी बड़े मामले पर समझौता आज हो सकता है, सहयोग किसी को मिलेगा और काम आपका आगे बढ़ेगा। एम्प्लॉयज के शुरू में किए गए व्यवहार, मदद, इन्वेस्टमेंट आज वो रीपे आपको करने वाले हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्ट से धार्मिक यात्राएं, बच्चों के बारे में स्पेशल कुछ सोचना, परिवार की खुशहाली के लिए आज कुछ बात आगे बढ़ सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज थोड़ा मन लगाना पड़ेगा, मन सोशल मीडिया या प्यार, इश्क और मोहब्बत में भटकने वाला है। हल्का फीवर, सर्द जुकाम आपको परेशान करेंगे, ख्याल रखिए। मकर राशि, नए संबंध और नए संपर्क कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हर एक से दिल खोलकर बात न करें। बिजनेस में आपको अचानक कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ऐसी स्कीम आपके पास लेकर आएंगे जिससे आपको गाड़ी कमाई चली जाएगी। बिजनेस में कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। आपकी लापरवाही से हाथ आए हुए ऑर्डर टेंडर निकल जाएंगे, इमेज भी खराब हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपके कारण किसी खास काम में देरी हो जाएगी। आप कुछ बेचैनी भरे व्यवहार से आज दिन की शुरुआत करें, इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन करिए। कामकाज की समीक्षा करिए, सुस्ती को घर के बाहर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की जिद आज आपको हो सकता है पूरी करने पर जाए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एज यूजुअल दिन है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। कुंभ राशि, आपका प्रॉफिट कैसे मिले, आज आपका दिन बेस्ट कैसे हो, बिस्तर से उठते वक्त अपने डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसे चलते रहिए, आपका दिन बन जाएगा। बिजनेस में आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर हो सकती है। पैसों के मामले में आप दूसरों के भरोसे न रहें, अपनी व्यवस्था पहले ही कर लीजिए। तरक्की के लिए आज आपको रास्ते मिलेंगे। बिजनेस पर्सन को बिक्री बढ़ाने और कस्टमर के साथ नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए आज अट्रैक्टिव कोई ऑफर देने होंगे, नई टीम आपको हायर करनी पड़ेगी। वर्क प्लेस पर आपका कोई नजदीकी व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके सहायता करेंगे, आपको समस्या से बाहर निकालेंगे। गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन से अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं तो आज वो काम पूरे हो सकते हैं। जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए तब तक आप साइलेंट मोड में रहिए, किसी को बताएं नहीं, क्योंकि बताने पर आपको ही आपके काम पर नजर लग जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज प्रोफेशनल बातचीत आपकी समस्या को सुलझा देंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, घर से बाहर निकलिए, नए लोगों से मिलिए, सोशल नेटवर्क बेहतर करिए, पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आज राहत महसूस होगी। मीन राशि, आपका प्रमोशन होना, जॉब चेंज होना या जिस काम से आप अपना दिन गुजारते हैं उसमें कुछ तब्दीली आएगी, रूटीन बदलेगा। बुध आदित्य और हर्षण योग के बनने से दिमाग अच्छा चलेगा, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा, अच्छे आइडियाज आपको मिलेंगे जिस आइडिया से आप अपना दिन बना देंगे। बिजनेस में आपके हाथ, मेरे प्रिय साथियों, बिजनेस में आपके हाथ नया कोई ऑर्डर या टेंडर हाथ लग सकता है। बिजनेस में
हाल ही में जो आपने शुरू किया है उसमें नई सोच डालनी पड़ेगी। पैसों की जरूरत है तो कहीं से लाइए, बिजनेस में पैसे डालिए। वर्क प्लेस पर किसी चलती समस्या का पॉजिटिव एटीट्यूड से संतोषजनक समाधान निकल जाएगा। एम्प्लॉयज सरकारी या फिर गैर सरकारी, किसी काम में आपके काम अटके हुए हैं तो आपकी यात्राओं से नए अनुबंध आपके काम को आगे बढ़ाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपके काम बढ़वा देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो जाए। न्यू जनरेशन के मन में जीवन के प्रति आज पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। कुछ अच्छी चीजें होगी जो आपके दिल को खुश रखेगी। अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। कोशिश करें कि खेल कूद से दिन की शुरुआत हो तो मजा आ जाएगा। हल्का भोजन, अच्छी नींद और साथ में अच्छा म्यूजिक आपके दिन को बढ़िया बना देंगे। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। शनि और चंद्रमा दोनों साथ में हो, क्योंकि मनस हो जातक चंद्रमा और शनि एक पापी ग्रह भी है और न्यायाधीश भी है। दोनों साथ में हो तो विष दोष बनता है। अगर ये थर्ड हाउस में है तो भाई बहनों से बनती नहीं, घर में कोई अकाल मृत्यु होती है या फिर भाई बहनों को प्रॉब्लम होती है। इंसान अपने रिश्तों को लेकर बेहद भावुक होता है और ठगा जाता है। सेहत में हमेशा तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग रहती है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में जॉब में ज्यादा तरक्की पाते हैं और बिजनेस में पैसा फंसना नुकसान और धोखा हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं लेकिन भाग्य उनका लेट साथ देता है। वो खुद भी बहुत आलसी, लेट लतीफी वाले होते हैं और तनाव के कारण सही डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, स्पेशल डे है तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें दो लौंग डाल दें, जिससे आपके अटके लटके बटके काम बनेंगे। और बंदर मिल जाए तो केला और गुड़ खिला दीजिए, हनुमान जी प्रसन्न, बेड़ा पार होगा आपका। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।